तो फिलहाल आज की हमारी ट्रेन जर्नी ट्रेन नंबर 14205 अयोध्या एक्सप्रेस में, और मैं आपको बता दूं अयोध्या से दिल्ली जाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, 615 किलोमीटर जर्नी तय करती है अपने 10 घंटे 55 मिनट में भाई, नो स्टॉप के साथ। जैसे मैं आज अयोध्या में आया सुबह और मैंने भगवान राम के दर्शन भी करे और हनुमान जी के भी दर्शन करे, उसके बाद मैं अयोध्या घूम भी लिया और शाम के टाइम मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगा ये अयोध्या एक्सप्रेस, और सुबह ठीक 4:20 पर उतर जाऊंगा पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और उसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने इसमें RAC 126 टिकट ली थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सोचा भाई RAC 126 बहुत होती है, कंफर्म नहीं होगी, पर भाई इस अयोध्या एक्सप्रेस के अंदर ना स्लीपर के 9 कोच लगे होते हैं, मेरी टिकट फटाफट कंफर्म हो गई। और मैंने जबकि टिकट जो ली थी 3 दिन पहले ली थी अयोध्या एक्सप्रेस में। आप ही बताओ बेस्ट है कि नहीं है भाई। बाकी अयोध्या से दिल्ली तक सफ़र में क्या क्या होता है सब कुछ आपको A to Z जानकारी देंगे। अयोध्या में इतने बंदर है कि कोई अंदर खा रहा होगा तो उससे छीनने के लिए ले आते हैं भाई। देखिए एक से एक कलाकार है भाई बंदरों के लिए। देखिए ये अपना कोच S9, चलिए अपनी सीट पर लेकर चलते हैं आपको, अंकल जी के साथ लग रही है मुझे। देखिए भाई जय श्री कृष्ण कन्हैया। चलिए भाई 6 हो जाएगी भाई। ये अपनी सीट 62 नंबर अपर बर्थ, पूरी दिल्ली तक कंफर्म है और साफ सुथरी ट्रेन है भाई। अयोध्या वाले लोगों को लो ट्रेन तो भाई साफ सुथरी मिलनी मिलनी है। 5:25 हो गया, अरे ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है भाई। ट्रेन भी देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ चुकी है, निकल गए हैं। बाय 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 कर रहा था भाई, निकल गए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से। वैसे यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन है, एक अयोध्या कैंट है और दूसरा है आपका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो वैसे कैंट वाली जो ट्रेन है वो सीधे धाम होते हुए निकलेगी, तो हमारी ट्रेन ज़्यादातर ट्रेन जो है वो कैंट से चलती है बन करके। बाकी देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी को मेरी तरफ से और अयोध्या की तरफ से जय श्री राम। और भाई जय श्री राम आपको बोला है तो आपका भी एक फर्ज बनता है वहाँ से वापस आपको जय श्री राम बोलना है। तो बाकी चलिए अपना सफ़र शुरू हो चुका है और आप सभी को मेरी तरफ से क्या करना है, रोकनी है क्या? अब कैसे रुकेगी ये बताओ भाई, रोकू? देखिए भाई रोकनी है भाई, ट्रेन रोकने की कह रही है, बताओ यार कैसे रुकेगी? गई ट्रेन, वो मोबाइल छीन लेते हैं। अरे दिल्ली में हो गए फिर उसके बाद यहीं से दिल्ली में आप जैसे एक लड़का ऐसी खिड़की पर था तो उसको मैंने कई बार टोका था हमारे ऊपर की सीट, मैंने भैया वहाँ बात मत करो मोबाइल मिला नहीं। अरे कैसे मिलेगा भाई, लेके निकल लेते हैं ट्रेन, जब गाड़ी स्लो होती ज्यादा ही सब ज्यादा करते हैं, जरा सी चलती तुरंत मोबाइल छीन लेते हैं। क्या बाबू जहाँ रहा अच्छे अच्छे रहा भैया, आप लोग तक इनकी सलामत रहा है। पाजी 500 रुपए दुआ तो दे दो। कितनी भीड़ है भाई, आ जाओ सारे अन्न। तो फिलहाल हम आ गए 100 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद अपनी ट्रेन के पहले होल्ड पर, जो कि पड़ता है आपका बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BBK। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है भाई 10। आपको मैं एक बात और बता दूं, देखो अपनी जो ट्रेन है
अयोध्या एक्सप्रेस, इसके अंदर भाई पेंट्री कार बिल्कुल भी नहीं है, मतलब खाने पीने की जो समस्या है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। पर मैं आपको ये बोलूँगा, आप इंडियन रेलवे का खुद का एक ऐप है फूड ऑन ट्रैक, अपना पीएनआर नंबर डाल करके आप वहाँ से खाना पीना मंगवा सकते हो, तो वो बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने ऑर्डर करा है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर फूड ऑन ट्रैक से, तो भाई वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ई कैटरिंग लगी हुई है। ई कैटरिंग में क्या होता है, ऑर्डर ले लेंगे यात्रियों से कि भाई 10 प्लेट खाना लगाना है या 20 प्लेट लगाना है, पर अगले स्टेशन पे क्या करेंगे, वो बाहर से खाना आपको लेने के बाद आपको चढ़ा देंगे, तो भाई उसमें खाना कैसा भी निकल सकता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कोशिश करें फूड ऑन ट्रैक से खाना मंगवा ले, बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से। तो ये देखिए, बस 2 मिनट का स्टॉप था, तुरंत भाई चल दी गाड़ी, बताइए। चलो 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 चलो। तो फिलहाल निकल गए बाराबंकी रेलवे स्टेशन से, और मैं आपको बता दूं अब हम जाएंगे बाराबंकी से लखनऊ, फिर लखनऊ से जाएंगे इसकी लखनऊ दिल्ली मेन लाइन से। बाकी अयोध्या जो है एक अलग तरफ पड़ जाता है, इसलिए बाराबंकी से एक लाइन कट जाती है रुदौली होते हुए अयोध्या की तरफ। बाकी ये देखिए बाराबंकी रेलवे स्टेशन, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। ये अभी बाराबंकी से लोग चढ़े हैं, ना इनके पास जनरल टिकट होगी ना वेटिंग टिकट होगी, बस पता नहीं भाई ये लोग जो होते हैं डेली मजदूर होते हैं, जो यहाँ से वहाँ लखनऊ से बाराबंकी काम करने जाते हैं, ये वो लोग होते हैं, इनका डेली का काम होता है। देखिए पता नहीं क्या क्या अपने घर से बना कर लाए हैं। कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, हैं दिल्ली? जनरल टिकट है वेटिंग है, टिकट नहीं है ये भाई, टिकट ही नहीं है। तो फिलहाल आ गए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, और भाई मैंने ऑनलाइन खाना बुक करा था, वो पता नहीं भाई कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर 11 प्लेटफॉर्म है, और हाँ लखनऊ जो है नवाबों का शहर है। आपको एक बात और बता दूँ, आप लखनऊ कभी भी आते हो तो लखनऊ के कबाब एक बार ज़रूर ट्राई करना, लखनऊ के कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई कहाँ रह गया मेरा खाने वाला यार, दिख ही नहीं रहा, देखो भाई पता नहीं कहाँ रह गया। कि मैं आपको एक बात और बता दूं, अपनी ट्रेन के यहाँ से लोको पायलट यानी जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो भी लखनऊ रेलवे स्टेशन से चेंज होंगे, और गार्ड भी चेंज होंगे। अगर मुझे यहाँ पर खाना नहीं मिला तो आप यकीन नहीं मानोगे 162 किलोमीटर बाद आएगा शहजानपुर बोगी, 11:30 पर आएगा, तब खाना खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि खाना यहीं पर मिल जाए, यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है, आ जाए, कुछ पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल। भाई बिल्कुल रियल कंटेंट दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल फेक कंटेंट ऐसा भी नहीं कि आपको फेक कंटेंट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रियल। अब नहीं आया तो भाई देख रहे हैं, क्या पता आ जाए। ऑर्डर था क्या S6 में? मेरा S9 में है यार। किस रेस्टोरेंट से प्लेस किया था ये? भाई ये बंदा जा रहा है, ये कोई और है, किसी और का ऑर्डर लेकर के जा रहा है ये बंदा। भाई मजबूरी में ले लिया अंडा चावल ले लिया, पता नहीं क्या दिया है, 90 रुपये का। भाई ये आया भाई, अब तो खाना लेके आया, देखियो तेरे चक्कर में मैंने ये भी ले लिया। ये हो तब लेके आए हैं ना भाई, इतनी देर से क्यों नहीं लेके आया? अरे भाई गाड़ी, अब ये सोचो आपका, तूने खाना खा लिया? खाना खा लिया, खाना खरीदेगा तू भी? वो स्टेशन का खरीदेगा, ये ले ले यार, मैंने 90 रुपये का लिया है, मैंने बता दो सर पड़ गया। देखो अब आया खाना पूरा,
10 मिनट इंतजार करने के बाद यार बहुत लेट लाए हो भाई यार तुम सच में भाई। ये तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैंने खाना बुक करा, पर वो खाना वाला कह रहा कि भैया हम इसी ट्रेन में और लोगों का खाना दे रहे थे इसलिए हम लेट हो गए, क्योंकि आपका कोच बहुत पीछे था। फिर एक भाई ने हमारे खाना तुरंत ले लिया, मैंने वहाँ से भी खाना खरीद लिया, और जैसे ही मैं खाना खरीद के अपने कोच में आ रहा था वैसे ही वो बंदा मिल गया कि भैया आपका खाना आ गया भाई, इसलिए डबल डबल खाना जाता। बाकी दिखाते हैं आपको कैसा खाना मंगवाया हमने 120 रुपये का, वैसे भी ट्रेन के अंदर आपको 120 का खाना मिलता है, तो आपको दिखाते हैं 120 रुपये का हमने क्या क्या खाना मंगवाया। तो भाई ये देखो मैंने मंगवाया है 120 रुपये में दाल, दाल है इसमें थाली में, और ये पता नहीं काहे की सब्जी है, ये कोई सूखी सब्जी है भाई, शायद पत्ता गोभी की सब्जी है। ये राइस है कट यानी दही, और क्या मंगाया भाई, छोले दिए बंदे ने, छोले दिए, और ये भाई यहाँ पे सलाद दिया है, बाकी यहाँ पर भाई गर्मा गर्म रोटी भी है। मजा आ गया, भाई टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, और अपन चले अब सोने, क्योंकि शाहजहानपुर अभी तक आया नहीं है और ठंड बहुत लग रही है। तो भाई मेरी तरफ से बाय बाय, गुड नाइट। उठ जाओ सारे भाई, दिल्ली आने वाला है, उठ जाओ दिल्ली आ गया, गेट खोलना, उठ जाओ, उठाओ, उठ जाओ दिल्ली आ गया, उठ जाओ दिल्ली आ गया, वहां खुलेगा गेट। इधर भी आए तो आग अलाउड नहीं है। तो फिलहाल 635 किलोमीटर जर्नी तय करने के बाद, तो देख रहे हो कितना कोहरा हो रहा भाई दिल्ली में, आप यकीन नहीं मानोगे, निर्धारित समय से बस 20 मिनट की देरी के साथ हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गई है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मेट्रो चालू होगी, बस की सेवा चालू होगी, तब हमें अपने घर जाना पड़ेगा। अब ये समझ लो ये ट्रेन अगर एक घंटे या डेढ़ घंटे लेट हो जाती ना तो अपना ही फ़ायदा है, मतलब ट्रेन लेट होने से घाटा नहीं है अपना फ़ायदा, बल्कि सुविधाएं चालू जाएंगी। बाकी ये सफ़र कैसा लगा, और सुबह सुबह आपको मेरी तरफ से एक बार जय श्री राम, अयोध्या से 635 किलोमीटर जर्नी तय करके हम आए हैं, और एक बढ़िया वाइट ट्रेन लगी मुझे, सच बता रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में ना सबसे बेस्ट ट्रेन ये लगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो,
और मेरे साथ घर बैठे एक रियल वाला सफर तय करते रहो। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से एक बार जय श्री राम और अयोध्या जरूर आए। और अभी तो यात्री जो है ना बहुत सारे अंदर सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई दिल्ली आ गया। देखिए खिड़की बंद करके सब सो रहे हैं।